हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी मैं ग्राउंड से घर जा रहा हूँ और आज मेरा प्लान था आज मैं आप लोगों को एक जगह दिखाऊं, लेकिन अभी कभी मौसम ख़राब हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं थी तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। और एक और बात, मैं जाने वाला था साइकिल पर, क्योंकि अपना जो स्प्लेंडर है वो रिपेयरिंग में दिया है, वो A to Z रिपेयरिंग होने वाला है। तो उसके लिए कल भी ब्लॉग बना रहा था, लेकिन आते वक्त ब्लॉग नहीं बना पाया। कल चास गया था बाइक का जो स्पेयर पार्ट है वो लाने के लिए, तो आते वक्त इतना सामान हो गया थी ब्लॉग आते वक्त इतना सामान हो गया था कि ब्लॉग ही नहीं बना पाया। तो आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ कि बाइक की हालत क्या है और क्या क्या रिपेयरिंग होने वाला है, A to Z रिपेयरिंग होने वाला है। तो आपको पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद देखते हैं आज जा पाते कि नहीं। अगर जा पाते हैं तो आपको दिखा देंगे, नहीं जा पाते तो पूरा दिन कैसा बीतता है आज का दिन वो आपको दिखा देंगे। तो एक बार ये देख लो आप बाइक की हालत क्या होगी। और दूसरा जो बाइक है होंडा SP, तो वो तो घर के कामों के लिए बाहर ही रहता है, इसलिए वो लेके नहीं जा सकते। तो चलो आप लोग एक बार देख ही लो बाइक की हालत। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि बाइक की हालत क्या है। तो अभी मैं घर के पीछे पहुंच चुका हूं और अभी ब्रश करेंगे और नाश्ता करेंगे। अब देखते हैं मौसम ठीक रहा तो निकल जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने खाना वाना खा लिया है और अभी रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। तो जो जगह मैं जाने वाला हूँ उस जगह का नाम है देउलघाट। तो वो अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा गूगल मैप में। और अभी निकलते हैं देउलघाट के लिए, और जो भी होगा रास्ते में दिखा जाएगा, बारिश होगा जो भी रुक जाएगी कहीं। तो आप देख सकते हो देउलघाट 16 किलोमीटर दिखा रहा है हमारे घर से, योर लोकेशन ऑन देउलघाट 16 किलोमीटर, वो भी बाइक पे, लेकिन हम जाएंगे साइकिल पे। चले चलते हैं, पहले साइकिल निकालते हैं। तो ये रहा साइकिल, यहाँ पे थोड़ा हवा कम है, आगे में भी हवा कम है, तो चलो पहले हवा भर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। मैं 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ और अभी 8 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैं मोबाइल रख के जो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ठीक से आ नहीं रहा था, वो बहुत ही हिल जुल रहा था, इसलिए रिकॉर्डिंग ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो अभी मैं आधा रास्ता भी नहीं पहुँचा, अभी 8:30 बजे है और मैं अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुँचा, और अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा धूप निकल चुका है। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, धूप नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था और कल भी बारिश हुआ था, इसलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं जा रहा हूँ, इसलिए साइकिल से जा पा रहे हैं अपना। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दूर है देउलघाटा, तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, शायद फ्रंट कैमरे से आ नहीं रहा है, तो बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से अयोध्या हिल यहाँ से ही दिख रहा है। कैमरे से ठीक आ रहे हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं, ये है अयोध्या हिल। और जूम करते हैं शायद और अच्छे से दिख जाए, हाँ ये देख सकते हो आप लोग,
यहाँ से लेकर यहाँ से। अभी बादल छाया है इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन धूप होता तो अच्छे से दिखाई दे रहा। तो गाइस फाइनल मैं पहुंच चुका हूं देउलघाटा में। आप देख सकते हो ये है देउलघाटा। और ये जो रिवर है इसका नाम है कंसावती, लेकिन हम लोग इसे कहते हैं कंसाई नदी। और जो टेंपल है वो वहां पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस नदी पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, पानी अभी कम है, अभी बारिश नहीं हुआ है। और यहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, देख सकते हो बहुत सारे लाशों को यहाँ पे जलाया जा चुका है। पानी बहुत गंदा हो चुका है इस वजह से। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अभी मैं मंदिर के पास पहुंच चुका है, आप देख सकते हो यह मंदिर का रास्ता है। और यहाँ पे देउल है, इसका देउल कहते हैं इस मंदिर को। और भी सारे बहुत सारे हो तो चलो आपको दिखाते हैं। ये रहा मेरा साइकिल और वहाँ पे एक मंदिर है जो कि काफ़ी ख़राब हालत में है। एक्चुअली वहाँ पे पूरा का पूरा धस चुका है मंदिर, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक नया बनाया है और यहाँ पे भी एक छोटा सा है। एक मिनट, पहले साइकिल फिर ताला मार लेते हैं। ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मंदिर है। और ये जो मंदिर है काफ़ी खराब हालत में है, आप देख सकते हो पेड़ उग चुका है ऊपर, काफ़ी खराब हालत में है। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। वहाँ पर भी एक है, वहाँ भी जाएंगे। तो चलो अंदर चल के दिखाते हैं। ऊपर देख, पहले देख लो, काफ़ी खूबसूरत है लेकिन ख़राब हालत में है। ये जो बनावट है वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मेहनत से बनाया है, आप देख सकते हो। ये रहा इसका गेट, तो चलो घुस के देख ही लेते हैं अंदर क्या है। ये है और कुछ नहीं है, तो चलो दूसरा वाला। तो अभी हम जा रहे हैं उस वाले मंदिर में। उससे भी खूबसूरत लग रहा है ये, उससे बेटर हालत में है ये। इसकी जो हालत है उससे बेटर है और काफ़ी साफ सुथरा भी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना ये जो सारा दो मंदिर है, इस दो मंदिर के वजह से इस जगह का नाम देउलघाट पड़ा है, क्योंकि इस दो मंदिर, ये जो मंदिर है इसको कहते हैं देउल, इस वजह से इस जगह का नाम देउलघाट पड़ गया है। अगर ये लोग भड़क गए ना तो यहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता। तो चलो अभी कुछ पिक्चर लेते हैं, उसके बाद
थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तब चलते हैं साइकिल की तरफ और वहाँ से घर निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी प्यास भी लगी है, तो कहीं पे चल के ट्यूबवेल में पानी भी पी लेते हैं। चलते हैं घर के लिए, और अभी 10 बज चुका है, तो थोड़ा सा नाश्ता करके आया, तो भूख भी लग रहा है और प्यास भी लग रहा है, तो जाके पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।